3 अप्रैल से सिमडेगा में नेशनल हॉकी जूनियर चैंपियनशिप की शुरुआत होनी थी, लेकिन सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ टीम के 5 खिलाड़ी और झारखंड के 6 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। टूर्नामेंट नेशनल हॉकी जूनियर चैंपियनशिप स्थगित। सिमडेगा में आयोजित होने वाला था टूर्नामेंट, कोरोना के कारण टला टूर्नामेंट। 3 अप्रैल से होना था आयोजन। सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के सफल आयोजन के बाद सिमडेगा एक और गौरव गाथा लिखने के लिए तैयार था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक कोरोना के दूसरे लहर ने सब कुछ खराब कर दिया। इस टूर्नामेंट के लिए चंडीगढ़ की टीम सिमडेगा पहुंच चुकी थी, भव्य स्वागत भी हो चुका था और फिर उसी टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इतना ही नहीं, झारखंड टीम के भी 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले। नतीजा, प्रशासन को कड़ा फैसला लेना पड़ा। चंडीगढ़ की टीम जब आई थी तो उनके आने के बाद जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनकी टेस्टिंग कराई गई, टेस्टिंग के उपरांत 5 बच्चियों का कोविड पॉजिटिव निकला। उसके उपरांत हमारे अपने झारखंड की टीम के भी हम लोगों ने कराया टेस्टिंग, के उस टेस्टिंग में भी हमारे यहाँ से 6 खिलाड़ी अपने प्रदेश के ही, उनको भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके उपरांत फिर हम लोगों ने जो वहाँ पर कुछ कोचेज हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी टेस्ट कराया, उसमें 1 कोच का निकला है कि उनका भी कोरोना पॉजिटिव। तो इस प्रकार कुल 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा अंतिम कड़ी जहाँ तक ये पहुँचा है, ताकि उस कड़ी को हम लोग वहाँ तक जाके उसको तोड़ सकें। तो इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने झारखंड हॉकी झारखंड को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, उनके स्तर से हॉकी इंडिया को भी इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है कि जो ये टूर्नामेंट है अभी के लिए इसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उस समय इस टूर्नामेंट को फिर कराया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया है। सिमडेगा आने वाले सभी खिलाड़ियों का टेस्ट हो रहा है। प्रशासन मानता है कि ऐसी स्थिति में मैच करवाना संभव नहीं है। लोग सब साथ में आए हैं तो चांसेस है कि उनका इन्फेक्शन दूसरे को लग चुका होगा। अभी मान लीजिए वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए हों, लेकिन पॉजिटिव तो होने की संभावना है और ऐसे सारे प्लेयर्स को तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा जो साथ में आए हैं, क्योंकि वो लोग सेम एक ही डिब्बा में आए हैं, रेल के डिब्बा में, और जर्नी किए हैं, साथ में खाना पीना खाए हैं, और बच्चे हैं, एक दूसरे का पानी वगैरह भी पिए होंगे, तो संभवतः चांसेस है कि इन्फेक्शन फैल गया होगा। सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हुआ कोरोना ब्लास्ट। चंडीगढ़ की टीम से 5 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं झारखंड की टीम से 6 कोरोना पॉजिटिव मिले। 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। प्रशासन ने आनन फानन में चैंपियनशिप को पोस्टपोन करते हुए सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कराना सुनिश्चित किया है। हो सकता है कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो और यह मैच अब अगला डेट कब आएगा ये अभी कहना मुश्किल है। प्रशासन आवश्यक बैठक कर रही है। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री।